सीमा पर देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले अर्धसैनिक बल के पूर्व सैनिक सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए उतरे। उनका कहना है कि सरकार उनके साथ भेदभाव कर रही है। इसी बात को लेकर पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर जमा हुए। देश में ORPP की मांग बहुत पुरानी है। मोदी सरकार ने अपनी तरफ से तोहफे के रूप में पूर्व सैनिकों को इसका फायदा दे भी दिया, लेकिन फिर भी पूर्व सैनिकों का एक बड़ा वर्ग इसे आधा अधूरा बताता रहा है। उनका कहना है कि उनकी देश सेवा में पर्याप्त भागीदारी होने के बावजूद उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। रविवार को जंतर मंतर पर पूर्व अर्ध सैनिक बलों का एक बार फिर आंदोलन हुआ। सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए और सरकार से मांग की, अब हम आर पार की लड़ाई के मूड में है, क्योंकि एक तरह सरकार ये बताती है कि वो सेना के साथ खड़ी है। इसे लेकर राजनीति भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ हमें आज तक हमारे हक से वंचित रखा गया है। जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए सैनिकों ने अपने हाथों में तख्तियां थाम रखी, इन पर अपनी मांगों के समर्थन में नारे लिखे थे। एक पूर्व सैनिक ने बताया कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम घूम घूम कर सरकार के विरोध में प्रचार करेंगे और 2019 में इन्हें सबक सिखाएंगे। तो MS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MS Hindi ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।